सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो नमस्ते दोस्तों, आज सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे कॉमर्स के क्लास ट्वेल्थ के जो क्वेश्चन ये पूछे कि सर हमारा जो टर्म टू का पेपर है इको का वो सर कौन सी बुक से बनेगा, मतलब इकोनॉमिक्स का। तो गाइज देखो, वैसे तो इकोनॉमिक्स की NCERT बुक बहुत कम स्कूल में अवेलेबल है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि पेपर तो आपका NCERT बुक से बनेगा, बट अगर आप लोगों के पास जो बुक अवेलेबल है अगर आप उससे भी स्टडी करते हो तो आपको उसी में से ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, वो आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, मतलब आपको चैप्टर कितना समझ आया है, जितना आपको समझ आया उसी के अकॉर्डिंग आप लिख पाओगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई एक छोटा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आपको उम्मीद है आपको अपने क्वेश्चन आंसर मिल गया होगा, अगर आपको नहीं मैं तो वापस रिपीट कर देता हूँ कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो आपका NCERT बुक से बनेगा, बट जो आपकी स्कूल में अवेलेबल है बुक आप उससे भी पढ़ाई करोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो अपने फिर मिलिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक आ सेंगे फिर सेफ रहो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।